कहाँ रहते हो आप? सुरैनी। अच्छा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के बारे में, जो आपकी लड़के की बहू है, आप उसको डिलीवरी के लिए लेके गए, उसका इलाज भी यहाँ से चल रहा है, तो उसके बारे में बताइए आपके साथ कैसा सलूक हुआ और क्या कहना है आपका? वहाँ जब भी जाती हूँ तो कहता है अभी लेके जाओ घर, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं हुआ, अभी अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो कभी खून जांच करवा लो। मैं चक्कर है, दो दिन पे चक्कर काटती हूँ, दो दिन पे चक्कर काटते जा रही हूँ मैं। और वहाँ पे कोई, अभी आज लेके मेरे बेटे गए हैं तो कह रहा कि इसका 10 महीना पूरा हो गया, तुम कहाँ रहते हो के जो आज लेके आए हो? आज रेफर कर रहा है अभी 1:50 पे। इससे पहले कब ले गए थे आप? इससे पहले परसों लेके गई थी, परसों बारिश में। परसों कह रहा तुमको बारिश में भी चैन नहीं है। फिर 17 तारीख को लेके गई थी, उसको दर्द हो रहा था तो दर्द बैठ कम होने वाला दवाई दे दिया उसको। अच्छा। और उसके बाद फिर बोला घर ले जाओ, फिर दवाई भी दिया, इंजेक्शन भी लगाए उसका। और अब आज लेके गई हूँ तो आज कह रहा कि ये 10 महीना पूरा हो गया, इतना दिन से कहाँ थे? जबकि परसों भी आप लेके गए थे? जब परसों भी लेके गई हूँ तो बोला अभी दर्द नहीं हुआ है, इसको जब दर्द हो जाएगा पूरा, पानी बेड गीला हो जाएगा, तब लेके आना। अच्छा, तो परसों डॉक्टर ने और क्या कहा आपको? बोला घर लेके जाओ, अभी जब पूरा दर्द होगा तब लेके आना। जो आप कह रहे थे कि हाँ प्राइवेट में ले जाओ, जल्दी है तो प्राइवेट में लेके जाओ ना। अच्छा, पहले बात तो अंदर घुसने नहीं देते, पेशेंट को ही बुलाते हैं, बाद में जब वो इंजेक्शन लगा दिए दर्द कम होने का तब बुला के कहते हैं हमने दर्द कम होने का इंजेक्शन लगा दिए। ये 17 तारीख की बात है। दर्द बढ़ाने की बजाय दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दिया। कम करने का इंजेक्शन लगा दिया, ऊपर से 2 गोली भी दिया। नहीं, आप कुछ और भी बता रहे थे कि वो उसने कहा कि पैसे नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है तो जरूरी है बच्चा पैदा करना? ये ऐसा व्यवहार है डॉक्टरों का, ऐसे ही बोले हैं। तो आज इसको रेफर कर दिया है? हाँ, आज रेफर करे। क्यों, डिलीवरी यहाँ नहीं हुई क्या? नहीं, यहाँ साधन नहीं है डिलीवरी होने का। क्या कहा कि साधन नहीं है डिलीवरी? हाँ, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है डिलीवरी होने का, इसको अम्बेडकर लेके जाओ। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल की कहानी है। एक महिला जिसको 10 महीने हो गए और हॉस्पिटल में कई बार चक्कर लगा चुकी है, आज कह रहा है 10 महीने बाद यहाँ लेके आ रहे, जबकि 2 दिन पहले उस महिला को इनकी सास अस्पताल में लेके गई और बार बार अनुरोध कर रही है, इसके 10 महीने हो गए हैं, या तो इसका इलाज डिलीवरी कराओ या इसे रेफर करो। लेकिन आज डॉक्टर ने इसे रेफर किया है कि आप इसको डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल में ले जाओ। इस तरीके से इस अस्पताल में बड़े शर्म की बात है कि डिलीवरी तक नहीं हो रही है। यह दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए और लोगों में जो सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, डिलीवरी तक नहीं करा पा रहा है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, रोष है।